एस्ट्रो योगी। पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में, अभी डाउनलोड करें। ओम सूर्य देवाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। बिजनेस में कितना होगा प्रॉफिट, हेल्थ के लिए कैसा होगा आज का दिन, क्या मिलेगी आपको अपनी मनचाही नौकरी, या होगी आपकी अपनी पार्टनर से मुलाकात, ऐसे हर सवाल के जवाब पाने के लिए अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी है। और भाई सिर्फ 1 रुपए में अपनी पहली कंसल्टेशन, वो भी 100% प्रिवेसी के साथ। अब जानते हैं 3 जुलाई 2022 दिन रविवार का आज का पंचांग। शक संवत 1944 है, मास आषाढ़ है, पक्ष शुक्ल पक्ष और ऋतु वर्षा ऋतु है। आज चतुर्थी तिथि शाम 5:06 तक रहेगी, इसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज अश्लेषा नक्षत्र है जो सुबह 6:30 तक रहेगा, इसके बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा। आज का बनने वाला योग वज्र योग है जो सुबह 12:07 तक रहेगा, इसके बाद सिद्धि योग लग जाएगा। आज चंद्रमा कर्क राशि में सुबह 6:30 तक गोचर करेंगे, इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। अगर सूर्योदय की बात करें, आज सूर्योदय सुबह 5:27 पर होगा, सूर्यास्त शाम 7:23 पर होगा, चंद्रोदय सुबह 8:54 पर होगा। चलिए इसके बाद जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आज अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:53 तक रहेगा। अब बात कर लेते हैं राहु काल की। इस समय किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, और आज राहु काल शाम 5:39 से 7:23 तक रहेगा। आज विनायक चतुर्थी भी है। कर्क राशि वालों को करना चाहिए हार्ड वर्क, और कन्या राशि वाले कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। मेष राशि, आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे। जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे। अपने करियर में बेहतर बदलाव करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपके सामने कई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। लव लाइफ की बात करें तो अगर आप किसी रिश्ते में है या आपका विवाह हो चुका है तो जल्दी अपने साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आपको कुछ आराम भी करना चाहिए, आप अच्छे से रह सकते हैं। अपनी आज की यादों को सहेज कर रखें। करियर में देखें तो आज आप अपने काम को लेकर एक्साइटेड रहेंगे, टेंशन फ्री रहें। अगर आप ये समझ सके कि आपको पहले क्या करना है तो आप आसानी से अपना काम कर सकेंगे। फाइनेंस में देखें तो अपने घर के बढ़े हुए खर्चे से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर करें, नहीं तो कुछ नुकसान भी हो सकता है। आपकी इनकम बढ़ने की संभावना है। हेल्थ की बात करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम कर सकते हैं। शाम 7:30 से 8:45 के बीच का समय अपने आपके जरूरी काम आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। लाल आपके लिए लकी कलर है। वृषभ राशि, ऑफिस में किसी काम को लेकर आपको निराशा हो सकती है, आपको सोच समझ कर काम करना चाहिए। आपकी लाइफ में आज किसी बात के कारण आप मेंटली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। शांत रहें और अपनी लाइफ को और ज्यादा पॉजिटिविटी से भरने के लिए तैयार रहें। आपकी लाइफ में फिलहाल जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे फ्यूचर के लिए सबक ले सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो आज आप पुरानी यादें ताजा कर सकते हैं, आपको खुशी महसूस होगी, आप अच्छे से काम कर सकते हैं। करियर में देखें तो आप ऑफिस में समय से ना पहुंचने की अपनी आदत ही बना चुके हैं, आज ऑफिस में बॉस से मिल सकते हैं। फाइनेंस में देखें तो आज प्रॉपर्टी मिलेगी, आप सेविंग भी कर सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो आप काम को आसानी से समझ सकते हैं, आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें ताकि कोई स्वास्थ्य विकार ना हो। शाम 4:30 से शाम 5:15 के बीच का समय भाग्यशाली है, और नीले रंग के कपड़े पहनने से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। मिथुन राशि, आपके लिए एक होपफुल डे होगा, आप ब्रेव और लाइफ बदलने वाले निर्णय भी ले सकते हैं। आपकी क्षमता और आत्मविश्वास आपको अधिक ऊर्जा देगा, आप दूसरों की खुशियों का भी ध्यान जरूर रखेंगे। आपको अपना काम पूरा करने के लिए सही योजना बनानी होगी। लव लाइफ की बात करें तो आप अपने जीवन साथी से मिल सकते हैं। आज के दिन आप अच्छे से रहिए, आपकी पार्टनर के साथ आप खुश रहेंगे। करियर में देखें तो काम के हिसाब से उतना अच्छा दिन नहीं रहेगा, आज ऑफिस में कुछ परेशानी हो सकती है। आप समस्याओं को बढ़ने से तो नहीं रोक सकते, तो आपके हाथ में है आप किस दिशा में बढ़ें। फाइनेंस में देखें तो आज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आज आप सेविंग कर सकते हैं। हेल्थ के मामले में आज आप शांत रहें। आपके लिए दिन का सबसे भाग्यशाली समय सुबह 10:00 से 11:00 के बीच है। बुरा रंग आपके जीवन में अधिक सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है।
चंद्रमा का गोचर आपको बैलेंस बनाकर काम करने में मदद करेगा। जीवन में शांति बनाए रखें, अपने परिवार के साथ समय बिताने से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आप पिछले दिनों के कई दिनों से चल रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। आपको अपने काम को कुशलता से करना चाहिए। लव लाइफ की बात करें तो आज के दिन आपका जीवन की शुरुआत अच्छी हो सकती है। आपको ये सफर आपके किसी पुराने दोस्त के साथ शुरू हो सकता है। यह रिश्ता आपको और ज्यादा खुश करेगा। आप दोनों के बीच किसी प्रकार की लड़ाई नहीं होगी। करियर में देखें तो आप ऑफिसर बदल सकते हैं, आप कोई नई नौकरी कर सकते हैं या कोई नई शुरुआत का समय है। इस बदलाव से परेशान ना हो, इससे आपको लाभ ही होगा। फाइनेंस की बात करें तो आज आप मोटिवेट होकर काम करेंगे, आज हार्डवर्क कर सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आज तनाव अच्छा रहेगा। शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच का समय भाग्यशाली है और हरे रंग में कुछ भी पहन सकते हैं। सिंह राशि, आप कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेकर रहेगा। आप अपने जीवन में बाधाओं के लिए और अधिक समाधान तलाशने में सक्षम होंगे। हर स्थिति को आसानी से संभालने के लिए शांत रहें। जीवन में तनाव से बचने के लिए बेकार के झगड़े में ना पड़े। कोई विवाद आपकी मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। लव लाइफ की बात करें तो आज आप पार्टनर के साथ रह सकते हैं। आप एक अच्छे दोस्त बनने का प्रयास करें, अपने साथी को समझ सकते हैं। आपको पार्टनर का सहयोग मिलेगा। आप टेंशन ना ले बिना खुश हो सकते हैं। आप अपने साथी का साथ ज्यादा बेहतर ढंग से साथ दे पाएंगे। करियर की बात करें तो आज आपका काम को अच्छे से कर सकते हैं। परेशान ना हो, ये बदलाव हो सकता है। आप अपने काम भी बदल सकते हैं। फाइनेंस में देखें तो आज आप अपनी योग्यता साबित कर लेंगे। किसी भी काम को पूरा करने के लिए सही नीति बनाकर काम करें। आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे। हेल्थ की बात करें तो आज आप शारीरिक रूप से ठीक महसूस करेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपने जीवन में और अधिक सकारात्मकता लाने के लिए मैरून रंग में कुछ पहने। दोपहर 2:40 से 4 बजे के बीच का समय शुभ है। कन्या राशि, आज आपका काम करने या कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। साथ ही काम पर ध्यान देना आपके लिए मुश्किल होगा। मेष राशि में चंद्रमा के पारगमन के कारण आप घूमना और पार्टी करना चाहेंगे। कोई भी जिम्मेदारी, चाहे वह पर्सनल हो या प्रोफेशनल, आपको परेशान कर देगी। दिन का अधिकतम लाभ उठाएं ताकि आप ऑफिस में आराम से काम कर सके। लव लाइफ की बात करें तो अपने रिश्ते को अच्छा कर सकते हैं। अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखें। आप दोनों अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। आपको अपने साथी के साथ और अच्छा तालमेल बिठाने की जरूरत है। एक दूसरे के साथ फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। करियर में देखें तो काम में देर हो जाने के कारण आप कुछ परेशान रहेंगे। अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं तो आप पाएंगे आज का दिन इसके लिए अच्छा नहीं है। आपके सभी इंटरव्यू बहुत अच्छे रहेंगे। फाइनेंस में देखें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से आपको काफी फायदा मिलेगा। आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। हेल्थ में देखें तो आज आपकी अच्छी सेहत की आप उम्मीद रख सकते हैं। आज आपके लिए शुभ रंग भूरा है और शुभ समय दोपहर 3 बजे से 5:00 बजे तक रहेगा। तुला राशि, आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा। आपका लक आपका साथ देगा। लव लाइफ की बात करें तो आज का दिन कुछ कठिनाइयों से भरा हो सकता है। आप कुछ निराश हो सकते हैं। आप अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। करियर में देखें तो आज आपको ऑफिस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नेगेटिव सिचुएशन में भी आसानी से काम कर सकते हैं। समय के साथ आपके करियर में ग्रोथ होगी। फाइनेंस में देखें तो मामलों को सामने नहीं लाना चाहिए। आज आप अच्छा महसूस कर सकते हैं, धैर्य रखें। हेल्थ में देखें तो अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप जल्दी अच्छा महसूस करेंगे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे के बीच सभी महत्वपूर्ण कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आज का शुभ रंग पीला है। वृश्चिक राशि, कुछ रुकावट हो सकती है जिससे आप नाराज और परेशान महसूस करेंगे। किसी परेशानी से दूर रहने के लिए धैर्य रखें और बिना मतलब के परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लव लाइफ की बात करें तो आज का दिन उत्साह से भरा होगा। आज खुश रहेंगे। आज आप अपने पार्टनर के साथ रह सकते हैं। रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दें, आपको अच्छा महसूस होगा। करियर में देखें तो ऑफिस में आज आपको टेंशन हो सकती है, आपको परेशानी भी हो सकती है। आपका काम ना रुक जाए इसका ध्यान रखें। फाइनेंस में देखें तो आज आपके लिए दिन अच्छा होगा। आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। हेल्थ में देखें तो आज आप किसी चीज को लेकर डर सकते हैं। अगर आज कोई जरूरी काम है तो उसे सुबह 11:15 से दोपहर 12:30 बजे के बीच करें।
दिन के लिए शुभ रंग बैंगनी है। धनु राशि, आपको उन परिस्थितियों में फंसने से बचने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके नियंत्रण से बाहर है। आज के लिए निर्धारित कार्य कुछ समस्याओं का सामना करने के बाद पूरे होंगे। आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए, सावधान रहें और जल्दबाजी में निर्णय ना लें। लव लाइफ की बात करें तो आज आपको किसी व्यक्ति के साथ मिलने की और रिलेशनशिप में रहने की संभावना है। आज आप अपनी फीलिंग्स को अपने पार्टनर के साथ व्यक्त करें, उनका जवाब सुनने के लिए भी आप अपने आप को तैयार रखना होगा। आप सभी चीजों को स्पष्ट कर लें क्योंकि शुरुआत में ही सभी चीजें स्पष्ट हो सकती हैं। करियर में देखें तो काम में कुछ परेशानियां आसानी से हल हो जाएंगी। आपको अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए और तनाव को दूर रखना चाहिए। फाइनेंस में देखें तो पैतृक संपत्ति में विभाजन हो सकता है, आप ज्यादा परेशान ना हो। फाइनेंस में देखें तो आज आपकी सभी रुकावटों को दूर आप करना चाहेंगे। आपको अपना टाइम का सदुपयोग करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एस्ट्रो की ज्योतिषों के अनुसार बैंगनी आपके लिए लकी कलर है और शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच का समय शुभ है। मकर राशि, आपको सामाजिक कार्यों में रुचि लेने के लिए प्रेरित करेगा। आपको कुछ सकारात्मक विचार रखने चाहिए। आपके जीवन में सौभाग्य आएगा, आपको अपने प्रयासों से सफलता भी मिलेगी। लव लाइफ की बात करें तो आज के दिन आपको उन सभी लोगों के साथ में रहना होगा जो लोग आपका समर्थन करेंगे। आप फीलिंग्स को समझ सकते हैं। आपको ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी जो आपकी हेल्प करें। आपको अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना होगा। करियर में देखें तो आज आप अपने लंबे समय से रुके काम की योजना को पूरा कर सकेंगे। आपको करियर में ग्रोथ मिलेगी। फाइनेंस में देखें तो आज आप कुछ आर्थिक लाभ पा सकते हैं। आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, आपको ग्रोथ भी मिलेगी। रेड वाइन आपके लिए लकी कलर है और शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय शुभ है। कुंभ राशि, आपके जीवन में नई खुशी आने की संभावना है। आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बड़े बदलाव देखेंगे। ये बदलाव अच्छे के लिए ही होंगे। आप इस समय का अधिकतम लाभ उठाएं और किसी भी अधूरे काम को पूरा करने के लिए जोर लगाइए। लव लाइफ की बात करें तो आज का दिन अपने लाइफ पार्टनर को चुनने के लिए बड़ा ही अच्छा होगा। जो लोग आपके मन में हैं उनके लिए गलतफहमी आ गई है, उसको दूर करने का दिन है। अपने रिलेशनशिप के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में इस तरह के कोई गलत विचार आए तो आपको उनके अपने मन से दूर करना चाहिए। आपको खुद पर भरोसा करना होगा क्योंकि आपकी यही आदत आपके लाइफ पार्टनर को चुनने में मदद करेगी। करियर में देखें तो आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस बात का निर्णय लेना होगा कि आप इन बातों से कैसे निपट सके। फाइनेंस में देखें तो आज आपको निश्चित रूप से प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। हेल्थ में देखें तो आज आप महसूस करेंगे कि आप एनर्जेटिक हैं। शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच का समय महत्वपूर्ण है और दिन का शुभ रंग लाल है। मीन राशि, आपके जीवन में बहुत सारी सकारात्मकता लाएगा। परिवार के साथ बैठने और साथ में कुछ समय बिताने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी भी समस्या को लेकर ज्यादा परेशान ना हो। आपको अपने परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। विनम्र और उदार रहें। लव लाइफ की बात करें तो आज पार्टनर के बारे में समझ सकते हैं। आप अपने पार्टनर से अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। आप रिलेशनशिप को और मजबूत महसूस करेंगे। आपके दोनों के रिश्ते में प्यार रहेंगे। किसी तरह की कोई गलतफहमी हो तो आपसी मतभेदों को भूलकर आगे बढ़े। करियर में देखें तो आज आपके सामने नए अवसर आ सकते हैं। आज लाभ उठा सकते हैं, अपने बेहतर भविष्य के सपने देख सकते हैं। फाइनेंस में देखें तो आज आपके सामने कई अवसर रहेंगे, उनका लाभ उठाने के लिए आपको सही योजना पर अमल करना होगा। आज आप अपने बेहतर भविष्य के सपने देख सकते हैं। हेल्थ में देखें तो आज आप अच्छा महसूस करेंगे। कुछ स्वास्थ्य विकार के बाद आप अपना स्वास्थ्य फिर से अच्छा महसूस करेंगे। सुबह 10:30 बजे से 12 बजे के बीच का समय लकी होगा और मेहरून रंग दिन के लिए लकी कलर है। यह राशिफल चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। अगर आप कुंडली, विवाह, पंचांग, शुभ मुहूर्त, राशिफल आदि से संबंधित या व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से और पाएं अपनी समस्याओं का समाधान इंडिया के बेस्ट ज्योतिष आचार्यों से। एस्ट्रो योगी, पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में। अभी डाउनलोड करें।